नमस्कार भारत 360 को स्वागत करुछि मु स्निग्धा बुलेटिन आरंभ करबा गुरुत्वपूर्ण खबर रु अयोध्या रे राजनीति अयोध्या रे शिवसेना रो आशीर्वाद समारोह ए समारोह को नेई राजनीति सरगरम होईछि अयोध्या रे पहुंचिबे शिवसेना मुख्य उद्धव ठाकरे पुणे शिवनेरी जिल्लारु कळसरे माटी नेई अयोध्या जाउछंती शिवसेना मुख्य उद्धव ठाकरे लक्ष्मण किलारे दिन 3टा रे शिवसेना रो कार्यक्रम रहैछि संध्या 6टा रे सरजु आरती रे शामिल हेबे उद्धव काली रामलीला कु दर्शन करिवे या सह साधु संतंक सहित आलोचना भी करिवे या परे राम मंदिर निर्माण पई हुंकार देबे सेबडे सुरक्षा दृष्टि रु आखिरे रखी डिसेंबर 17 पर्यंत अयोध्या रे 144 धारा लागू करा जाय छि राम मंदिर निर्माण को नै शिवसेना सबुबेले दाबी करि आसे छि पूर्वरु विजया दशमी रैली रे भी राम मंदिर निर्माण कथा उठाइथिले उद्धव तेणु 2019 साधारण निर्वाचन पूर्वरु शिवसेना पुणी थरे राम मंदिर निर्माण प्रसंग को जोरदार करि छि एहाकु नै आधार करी आंदोलन करिवाकु तयार भी हेलानी शिवसेना धर्मनगरी अयोध्या में ज्यों ज्यों भीड़ बढ़ रही है सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता होते जा रहे हैं। राम जन्मभूमि इलाका ये माना जाता है जहां राम लला विराजमान है और बकायदा जो रास्ता जाता है राम लला की तरफ यानी राम जन्मभूमि की तरफ विवादित स्थल यहां भारी संख्या में एक तरीके से कहा जाए तो फोर्स लगा दी गई है धारा 144 चूंकि फैजाबाद अयोध्या में लगा दी गई है तो 5 लोगों से अधिक इस इलाके में जाना उनको वर्जित है और बकायदा जो फोर्स लगी है वो चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं कि एक नहीं तीन बैरिकेड लगाए गए हैं, पहले लोहे का लगाया गया, फिर जाल लगाया गया, उसके बाद बैरियर लगाया गया, यानी सब कुछ चेक किया जाएगा और यहां से किसी को बिना इजाजत अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी और भीड़ लेकर आप तो बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना ने अयोध्या में भीड़ बढ़ाई है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का आंदोलन है उसकी क्रेडिट ले जाए तो वहीं विश्व हिंदू परिषद ने भी कल एक धर्म सभा रख रखी है जिसमें लाखों कार्यसेवकों को आने की उम्मीद है, राम भक्तों के आने की उम्मीद है, उसको लेकर तैयारी की जा रही है। प्रशासन ने भी 45 कंपनियां पीएससी लगाई गई है, दर्जन भर आईपीएस अफसर लगाए गए हैं और सरकार के एडीजी आईजी एडीजी उन सभी लोग यहां कैंप कर रहे हैं, यानी अयोध्या में जितने लोग हैं उससे ज्यादा फोर्स का इंप्लीमेंट किया गया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, कोई भी पर ना मार सके और विशेष तौर से उस इलाके का जो विवादित स्थल है और जो राम जन्मभूमि का इलाका है उस इलाके में फोर्स बड़ी संख्या में लगा दी गई तो निश्चित तौर पर इस इलाके में सुरक्षा के इसने कड़े इंतजाम किए गए हैं, कोई भी व्यक्ति इधर नहीं जा सकता और चूंकि धारा 144 लगी है तो लिहाजा प्रशासन उसका अनुपालन करा रहा है। निर्वाचन ऋतु रे अयोध्या प्रसंग धीरे धीरे गरम हेबार लागी प्रसंग राम मंदिर को नहीं शिवसेना एबे एपट नहले सेपट मुड्रे शिवसेना रो अयोध्या अभियान प्रसंग रे विरोधी माने एबे सरकार को घेरिबा आरंभ कले राम मंदिर निर्माण पाई बीजेपी विरुद्ध एक प्रकार युद्ध डाकरा शिवसेना सुप्रीम कोर्ट रे अयोध्या मामलार शुणी टलिबा परे राजनैतिक दल और हिंदू संगठन गुड़िकर गहल चहल आरंभ हो आसंता काली विश्व हिंदू परिषद अयोध्या एक धर्मसभा आयोजन करुछि आसंता काली भी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे निज कर्मकर्ता अयोध्या पहुंचुचंती एहा पूर्वरु उस्काया भली एक बयान देइचंती शिवसेना नेता संजय राउत आउ एहा कु नै आरंभ होईछि राजनीति 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी वो अनिल परब टाइम लगाकर 17 मिनट जो सालों साल से वो कलंक अयोध्या को लगा था वो 17-18 मिनट में आधे घंटे में जो करना था राम भक्तों ने कर दिया तो कागज बनाने में कितना टाइम लगता है। संजय राउत को बयान पर बीजेपी स्पष्ट कर दे जे राम मंदिर संविधान अनुजाई निर्माण हब संविधान में दोनों बात है हम कोर्ट के जरिए भी कर सकते हैं पार्लियामेंट से कानून बना के भी कर सकते हैं पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों एक के एक ऊपर एक नीचे नहीं है हम दोनों बराबर स्तंभ हैं संविधान का तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी तो हम पार्लियामेंट से कर सकते हैं। संजय रावत उस समय कहाँ थे जब ढांचा गिर रहा था? कोई तो नहीं था, कोई नहीं था, वो तो बाद में बाल ठाकरे बनाम करके केस चला तो बाल ठाकरे तो कभी अयोध्या आए नहीं। इस समय उद्धव जी आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं तो दर्शन करें यहाँ का। अयोध्या राजनीति को नहीं संजय राउत को बयान पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमिटी कौन सी प्रतिक्रिया दे नहीं हेले जोगी सरकार ठारू सुरक्षा लोड़ी बीजेपी उपरे राग सुझाया को जाई अयोध्या सेना मुतयन पर दावी करी समाजवादी पार्टी
फौज लगा करके वहाँ पर शांति और वहाँ के लोगों का जीवन ठीक रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग किसी सीमा तक जा सकते हैं। शिवसेना से मुकाबला कर रही ना, वो बीजेपी को नीचा दिखाना चाहती है, इसलिए ऐसे बयान दे रही है। हमारी नजर में उनके बयान में कोई अहमियत नहीं रही। वो अगर वो कहते हैं सर हमने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया, तो वो जाके अदालत पे तो कह नहीं रहे। यहाँ पब्लिक में कहने की कोई वैल्यू नहीं है। मुलजिम है अदालत में, वहाँ जाके गवाही दें, वहाँ जाके मान लें कि हमने तोड़ दिया। अभी तक तो किसी शिवसेना के लीडर ने बयान दिया नहीं। उद्धव ठाकरे अयोध्या आसवा पूर्व पुणेर शिवनेरी किलू एक कलश से मटी आनी जहाँ से अयोध्या राम जन्मभूमि महंत को हस्तांतर करे। आज अयोध्या पहुंची उद्धव ठाकरे साधु सतों राम मंदिर निर्माण प्रसंग में आलोचना करे। रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। अठाईस तारीख में मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन पर वोट ग्रहण एवं प्रचार जोरदार चली। क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छतरपुर में एक जनसभा को संबोधन करिछन्ति। कांग्रेस को टार्गेट करी प्रधानमंत्री कहिछन्ति जे 15 वर्ष पूर्वे कांग्रेस को ही वोटर माने मूलपोच कर सारिछन्ति। कांग्रेस 55 वर्ष शासन उपरे भारी पड़ी शिवराज सिंह 15 वर्ष शासन। दुर्नीति मुक्त समाज पर बीजेपी को वोट देवाक वोटर को आह्वान देछन्ति प्रधानमंत्री। यापरे मंदसौर में आयोजित एक जनसभा को संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री। बीजेपी स्टार प्रचारक भाव मैदान को ओह्लैवे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह अशोकनगर एवं सिपुरी में निर्वाचन रैली में जोगदेवे। खुराई सागर में योगी आदित्यनाथ निर्वाचनी प्रचार करेंगे। आजा परवर्ती खबर को विष बल राजधानी दिल्ली पुणी आज मध्य राजधानी दिल्ली वायुर गुणवत्तार ह्रास देखा मिली। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण मात्रा बढ़िवे लगी। आज सका घन कुहड़ी में आस्तरण देखा मिलता। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड रिसर्च सेंटर अनुजाई आगामी दुई तीन दिन पर्यंत वायुर गुणवत्तार प्रभाव देखा मिल। दिल्ली आनंद विहार, बजीरपुर, भवानी, जांगीरपुर एवं मुंडारे गंभीर स्थिति रही। 23 स्थान रे खराब बहुत खराब रही बेले 6 स्थान को खराब श्रेणी में अंतर्भुक्त करा जाए। जिस समय साइकिल करीबन लास्ट 4-5 मंथ से चला रहा हूँ, लेकिन रिसेंटली पॉल्यूशन इतना आ रहा है कि घर वाले निकलने नहीं देते हैं। उसके चलते अब कभी मास्क कभी हैंकी कुछ न कुछ लगा के निकलना पड़ता है। हेल्थ के लिए तो हार्मफुल है ही, लेकिन फिर भी हेल्थ साइकिलिंग जो पैशन है या शौक है उसको पूरा करने के लिए निकलना पड़ता है। कंपैरेटिवली आज ठीक है, क्योंकि आज ये हवा का जो काफ़ी हवा के कारण काफ़ी हुआ, नहीं तो कई दिन से तो कंटिन्यूसली ऐसा चल रहा था। सांस लेने में दिक्कत और चलने में भी दिक्कत हो रही थी, अदरवाइज आज कंपैरेटिवली ठीक है। देखिए सामने विजिबल है, सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ है, तो आज कुछ ठीक है। और अगर ऐसे इसी तरह से 2-4 दिन हवा चल जाए तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। दिक्कतें ये होती है कि हम जैसे पोल्यूशन लेवल देखते हैं, हम सोचते हैं कि घर से निकले या ना निकले, क्योंकि मेनली हमारा हेल्थ तो बहुत ही प्रेशियस है हमारे लिए, हम सबके लिए। तो हम सोचते हैं कि अगर कुछ ज़्यादा ट्रीज या ऐसे सब प्लांटेशन ज़्यादा हो तो लेवल तो कम हो सकती है, पर यह है कि जितने भी टाइम देखते हैं 200 से ऊपर ही रहता है, 200 से नीचे नहीं रहता, पर फिर भी हम मोटिवेट करके हम अपने आप को निकल देते हैं, चलो चल लेते हैं। दिल्ली की आबोहवा एक बार फिर खराब होने लगी है। कुछ दिन राहत के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली के मौसम विभाग के बाहर खड़ी हुई हूँ, आपको दिखाना चाहेंगे जो दिल्ली की एयर क्वालिटी है वो खराब हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पीएम लेवल है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से कुछ दिन राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि एक चिंता वाला विषय है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि अभी लगातार 3 दिन इसी तरीके का मौसम रहेगा, क्योंकि हवा की स्पीड कम है, नमी ज्यादा है और जो तापमान का स्तर है वो भी गिरता जा रहा है, तो इसी के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि दिल्ली में जो पराली जलने से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था वो फिलहाल नहीं है।
तो तीन दिन तक वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ आएगा, उसके बाद राहत यहाँ पर मिलेगी। मौसम विभाग का इस तरीके का पूर्वानुमान है, तो देखने वाली बात होगी कि तीन दिन के बाद क्या दिल्ली वासियों को वायु प्रदूषण के स्तर से कुछ कमी मिलती है या नहीं। कैमरा पर्सन सत्या के साथ मैं रचना, न्यूज 18 दिल्ली। ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସିଗ୍ନେଚର ବ୍ରିଜ୍ରେ ଅଘଟଣ, ଦିନକୁ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ନବନିର୍ମିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଗ୍ନେଚର ବ୍ରିଜ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଗତକାଲି ଦୁଇଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଏଥିସହ ଜଣେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଏକ ବାଇକ୍ର ଚକା ଖସିଯିବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଲାଇଭ୍ ଫୁଟେଜ୍। ଏହିପରି ବାନ୍ଦ୍ରାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଲୋମଟାଙ୍କୁରି ହୋଇଉଠିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ପାର କରୁଥିବା ବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ବ୍ୟାଗ୍କୁ ଧରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଅଟୋ ଆସି ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଚିକିତ୍ସିତ ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାନ୍ଦ୍ରାର ହର୍ଭିସକ 16 ରୋଡ୍ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଧରାପଡ଼ିଲା ମଣିଷ ମରା ହାତୀ। ହରିଦ୍ୱାରରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ହାତୀକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବନବିଭାଗ। ବନବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜାଜୀ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଟିମ୍ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଜାଲ ବିଛାଇ ହାତୀକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଏହି ହାତୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚିଲା ରେଞ୍ଜର ଦୁଇଟି ହାତୀର ସହାୟତା ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ହାତୀଟି ହରିଦ୍ୱାରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଭୟରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବନବିଭାଗ ହାତୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାନପୁରର ଫଜଲଗଞ୍ଜରେ ପ୍ରତାପଗଞ୍ଜର ଲୁହା ରଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଫଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଭୟାବହତା ରହିଛି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କାନପୁରର ଫଜଲଗଞ୍ଜର ପ୍ରତାପଗଞ୍ଜ ଲୁହାରଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ। ତେବେ କୌଣସି ମୃତାହତର ସୂଚନା ନାହିଁ, ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛି। ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦିନରାତି ଲଗାଇଥିଲା, ହେଲେ ପବନ ବହିବା ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଫଳରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ସହଜ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 84ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବେ ବି 560 ଜଣ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଶୀ ଓ ଦେଶ ବାହାରରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୋଧଗୟାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହାବୋଧି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ରଦାନ ସମାରୋହରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ମହାବୋଧି ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିହାରର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଜ୍ଞାନସ୍ଥଳୀ ମହାବୋଧି ମନ୍ଦିର ସମେତ ବୌଦ୍ଧଗୟାରେ ମେଳା ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ବୌଦ୍ଧଗୟାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଯା ଆସ ଲାଗି ରହିଛି। କେବଳ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ବୌଦ୍ଧଗୟାକୁ। I feel very inspired when I come here. Yeah, I study Buddhism. I always feel very very overwhelmed. It's not so peaceful now. जो है वो एक की नहीं है, एक एक मतलब आइडियोलॉजी है, वो एक आइडियल है सबके लिए। जो भी उनको समझता है, जो उनको समझना चाहता है, वो जिंदगी में हमेशा सुखद रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा शांति जरूरी है आज के युग में। साधारणतः बोधगया रे अक्टूबर रु फरवरी मध्ये पर्यटकों को भीड़ होता है। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମହାବୋଧି ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳରେ ବିଶେଷ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ।
विदेशी तथा स्थानीय श्रद्धालु माने बौद्ध भिक्षुंकु वस्त्र प्रदान करी सेमानक आशीर्वाद नैथांती। विश्वास रहिछि वर्षर तीन मास जाए एकांत जीवन काटिबा परे बौद्ध भिक्षु बाहर को आस्थांती। एथिपई सेमानकु भगवान बौद्धक भली मान्यता दियंती श्रद्धालु। भिडकु दृष्टि रखि पर्यटन विभाग पक्षरु व्यवस्था करा जाइछि। हम लोग का चांटिंग करते हैं, चांटिंग करने के बाद भारत का विकास के लिए, दुनिया की शांति फैलाने के लिए, बुद्ध भगवान को संदेश फैलाने के लिए ये बहुत महत्व है, इम्पोर्टेंट है। बांग्लादेश बहुत सारा हस्तल देख रहा हूँ कि बढ़ रहा है, लोग आने वाला बहुत सारा आ रहा है। इसे तो श्रीलंका को कल हुआ था, इतना कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से डबल जैसा था गैदरिंग वाला। इस तरह कंटिन्यूस ये वाला अब ये एंड नवम्बर तक ये चलेगा। आशा कराउँछि गत वर्ष तुलनारे चलित वर्ष एठाकु अधिक पर्यटक आसिबे आउ विश्वरे शांति वार्ता पहुँचाइबे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। आज आपणंकु जणे चा दोकानी ओ सुवार संपर्क देखाइबो जाकु देखि आपण निश्चित भाबरे कोण बंधुर संपर्क स्तरे शब्दार बयान करि हुए। हरियाणार कोर्नाल रु देखिबा ही रिपोर्ट। बंधु एमिति एक शब्द जहाँ भाषा रे वर्णना करा जाएनी। कुहा जाए किछि संपर्क को शब्द रे बयान करी हुएनी। हरियाणा रो कर्नाल रे एमिति एक बंधुत्व देखिबा को मिलिछि। जणे चा बाला आउ जणे सुआ। हाँ आपण ठीक सुनुछंती, एहा संसार रो समस्त संपर्क ठारु निहाती भाबे भिन्न। कर्नाल रो कॉर्न स्टेडियम पाखरे चा दुकान करिथिबा हरिप्रसाद को ए सांगटी किछि कहि पारेनी, किंतु हरिप्रसाद निज सांगर मन कथा ठीक बुझिनियंती। गोटिए सुआ जे दिन सारा खोला आकाश रे निज इच्छा रे उड़ी बुलु थाए आउ जेते बेले भोक लागे सेते बेले हकर सह उड़ी आसे निज सांग हरिप्रसाद का पाखकु। सुरु से नीयस बोले करके जैसे अगर मान लो एक कुत्ता है, अगर मास्को को खाना पीना मिलता जहां मिलता वहीं जाता जाता है, इसके प्रेम ये तोता जो है वो खाना पीना ढंग से मिल रहा है ये कहीं नहीं जाता, यहाँ आता है। पकड़े थे पकड़ के लाए थे उस दिन से ये हमारे साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता बन गया। एही कहानी गोटे सुआ आउ जणे चा बिकाळी को किछि दिन तळे छोटिया सुआटे मीना रोड रे वर्षा रे भिजुथिला आउ थंडा रे कंपुथिला। सुआ उपरे हरिप्रसाद को नजर पड़िथिला, तार देखाशुणा करबा दायित्व निज हाथ को नेइथिले। ता परठारो दुहे होइ गेले सांग, किए काहाकु छाड़िबाकु नाराज। सुआ सकाळ दुईपहर एवं संध्या बेळर खाद्य हरिप्रसाद को ठारु ही खाई थाए। बहुत बड़ा प्यार है जी, ये जैसे पक्षी और इंसान में बहुत ही कम देखने को मिलता है इस चीज को, और ये डेली आ रहा है, खाता पीता चला जाता है, डेली आ रहा है जी, दो ढाई तीन महीने से लगातार। ये तो प्यार है जी इंसान और जानवरों में पक्षियों में। हरिप्रसाद दिन सारा निज काम व्यस्त था, जिते बेले सांग पहुंची जाए सब किसी छाड़ी ताको खाइबा को दियंती। एही धान दौड़ जीवन रे आजिकालि निज परिवार लोकपाई दुई मिनिट रो समय कहा पाखरे नाही। हेले एक चा दोकानी ओ सुआर संपर्क बंधुत्वर भिन्न परिभाषा निश्चित बयान करूछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।